जितने में बिग बॉस जीत के निकलूंगा ना कसम से कह रहा हूँ, भगवान ने चाहा मुंबई से सीधा बिहारी पहुंचूंगा राजा भाई के घर पर। राजा भाई और बताओ, फटाफट वोट ऐप डाउनलोड करो भैया, पुलिस वहाँ पे वोटिंग होती है ना। हाँ, वोटिंग होती वो सब लगी रहती है। बिग बॉस OTT डालोगे तो पुलिस सुपरस्टार आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी वोटिंग का मैं नंबर बता दूंगा अपने इंस्टाग्राम के वीडियो के माध्यम से, तो वहाँ पे जाके क्लिक कर देना। अरे बाकी जीत गए तो सीधा मुंबई से जो है दिल्ली की ट्रेन नहीं पकड़ूंगा, सीधा बिहार की फ्लाइट पकड़ूंगा मैं। ऑल द वे भैया, मैं पूरा ब्लॉग कवर करूंगा वहां पे जाकर के वो चीजें को लेकर के। और भगवान ने चाहा तो भाई राजा भाई के संपर्क में रहूंगा, अगर इतना हुआ तो मैं राजा भाई को मुंबई भी बुला सकता हूँ, क्योंकि बिग बॉस के अंदर ये भी सिस्टम है कि अगर हम फिनाले तक पहुंच गए तो अपने दो बंदों के नाम दे सकते हैं जो खास हो, जिनको मैं एंड में बुलाते हैं ना। बहुत बड़ी बात हो जाता है, मुझे एक राजा भी हो तो कुछ पता नहीं है। थैंक यू सो मच। राजा भाई को हम अपने उससे बुलाएंगे, अपने खच्चे बुलाएंगे, अपना सारा को इंतजाम करेंगे। तो दोस्तों आजकल के नल्ले विरवा छपड़े बिकेंगे छोड़ देते हैं, और सवाल खच्चे के बने के बिकेंगे लड़के अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग का नाम जो है राजा रख लेते हैं, और ताकि बड़े बड़े कोठी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, मैं हूँ दिल्ली में और मैंने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर से मिलूँ फिर मैं घर के लिए निकलूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में थोड़ा सा समस्या ये है कि हमने रिसेंटली व्लॉग वगैरह पोस्ट रिट्यूट सारा कुछ हमने कर दिया, बस आप लोगों को करना क्या है, ये रिट्यूट का ऑप्शन है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्यूट कीजिए ताकि हमें जो है न्याय मिल सके। और मैं दिल्ली में आया हूँ तो हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को कवर कर सके, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा लगा था हमें यहाँ आने में, तो हमने सोचा कि वीडियो को शूट कर लेते हैं ताकि कुछ जो है रिकवर हो जाए, ऐसा सीन है। तो आज हम मिलने वाले पुनीत सुपरस्टार से, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स उनको कवर करते हैं, उनकी मीम्स वायरल होता है, कहीं ना कहीं आपने उनको देखा होगा। तो अभी इस मार्केट में, मार्केट का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे कौन सा दिलसाद गार्डन पड़ जाता है, इसी के आसपास में है। तो आप लोगों को क्या करना है, बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जाकर रिट्यूट कीजिए अपने भाई को, और चलिए भैया से मिलते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं खूब बढ़िया सा। और आप लोग को हम सोच रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितना से जितना क्रिएटर हो सके, एक से दो दिन और हो सकता है तो मैं रहूँगा, मैं निकल जाऊँ, क्योंकि घर पर परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो वहाँ भी जाके कवर करना है और आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ऐसा सीन है। और हाँ, साथ ही साथ सवेरे से हम लोगों ने खाना वाना कुछ नहीं खाया भाई साहब, बस किसी को ढूंढना होता है ना, तो मैं निकल जाता हूँ अभी भी, है ना। कहीं भी लोग मिलते हैं तो बोलते भैया आप यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, हमने बोला कोई बात नहीं भैया, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, बड़े लोगों की तरह दिखावा नहीं करना है, आप लोग हमारे ऑडियंस हो, आप लोग हमारे परिवार हो। कितने सारे लोग होते ना कोट पैंट पहन के घूम के लिए, मैं इवेंट में भी गया था तो मैं ऐसे ही गया था, क्योंकि मैं गांव से हूँ, जैसा हूँ वैसा ही। और अभी यहाँ का सीन कुछ ऐसा है ना, भैया ने हमें एक टी शर्ट खरीद दिया, यहाँ पे आपको सारे कपड़े सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, बहुत सारे सामान भी मिल जाएगा, ऐसा सीन है। तो हमने तो अगला वाला मार्केट से हमने जो है एक टी शर्ट लिया था, परचेस किया था, यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, देख सकते हो आप लोग। साथ ही में एक मेट्रो पे हमारे भैया जो है हमें वेट कर रहे थे, सॉरी भाई इनका नाम सुमित है शायद, ये बहुत पहले ब्लॉग में आ चुके हैं ना। आ चुका हूँ, वो तो वो डिलीट हो गया था ना बहुत पहले, वो उस पर व्यूज वगैरह जाते नहीं, चैनल खत्म हो गया, तो वो बहुत पुराना वाला है। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आप अरे बहुत बहुत मिस हो गया भाई, सीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ मस्त है। चलो अभी दीदी ने खाना पीना बना रखा है आपके लिए, हाँ हाँ व्यवस्था कर रखा है। 10 मिनट रुकते हैं, भैया आ रहे हैं, भैया यहीं पे, अच्छा तो उनसे मिल लेते हैं, और साथ में आप भी मिल लो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं ना, मतलब ऐसा हम लोग यहाँ से वहाँ जाए, कोई नहीं हो जाता, बोला था आ जाओ फिर मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, सॉरी भाई, हाँ सॉरी, ब्लॉग में बोल रहा हूँ आपको, सॉरी भाई, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं नंबर मेरे पे आया नहीं, कॉल ही नहीं आया था यार, आया ना, मेरा सेव कर रखा तुम्हारा, तुम्हारे को बहुत तरह ये तो भाई, फाइनली पुनीत सुपरस्टार भाई साहब, इतना मतलब नेट जो है ना तालका मचा रखे भाई ने, एक डायलॉग हो जाए मेरे लिए। तो कैसे हो मेरे रिव्यूज के चाहने वाले, तो दोस्तों आजकल के नल्ले विरवा छपड़े बिकेंगे छोड़ दे बदल, और सवाल खस्सी के बने के बिकेंगे लड़के अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग का नाम जो है राजा रख लेते हैं, और ताकि बड़े बड़े कोठी मंगने वाले लोगों को ये लगे कि कोई कोठी मंगने वाले लड़के हैं, लेकिन दोस्तों राजा भाई बहुत अच्छे इंसान है, और भाई का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ राजा भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं वैसे कमेंट की बात नहीं है, वैसे इतनी जल्दी मिल नहीं जाता, मुझे पता है, लेकिन भाई आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, और
आपकी मैंने मेहनत देखी है वीडियो में, थैंक यू, और काफी अच्छा काम करते हो और काफी एंटरटेन करते हो वीडियो। आप लिपसिंग के किंग, जैसे मेरे को अपनी वॉइस का किंग माना जाता है ना, जी जी, तो भाई आप लिपसिंग के किंग माना जाता है, आपकी जो लिपसिंग है ना, तो मुझे लग रहा है पूरे सोशल मीडिया पे भाई सबसे ज्यादा लिपसिंग में किंग माना जाती है, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो लिपसिंग में। थैंक यू, तो भाई को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, और राजा भाई बहुत अच्छा लगा, फिर बिहार कब आ रहे हो भैया? भाई भाई बिहार मेरा इवेंट आने वाला है, तो मेरे ख्याल बहुत जल्द, मेरे ख्याल अगले महीने बिहार में ही है मेरा, अभी कल ही मेरी शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा इवेंट है काफ़ी, उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, जैसे टीम 07 आ रही है, हमारा आवेश भाई आ रहे हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर आ रहे हैं, तो अरे बिल्कुल भैया, मौका दीजिए, अरे मज़ा आ जाए कसम से भाई। जैसा हमने सुना था भैया कि काफ़ी वीडियो में बोलते रहते मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, वहाँ नहीं जाता हूँ, मैंने एक कॉल करा भैया को, हमने कहा भैया मिलना है बस आपसे दिल्ली में, उन्होंने बोला दिल्ली में कभी भी आ जाओ, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए, ये मेरे पूरे भाई हैं, फिर भाई भाई ने एक कॉल किया, और बल्कि भाई ने मेरे को प्यार भी करवाया, और बल्कि एक चक्कर भी लगवा दिया भाई ने, 50 रुपये भाई से पेट्रोल के एक्स्ट्रा ले लूँगा, मेरे पेट्रोल लग गया है, 5 किलोमीटर मेरे खराब कर दिया और टाइम बेकार कर दिया, लेकिन सच में यार भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं भाई की वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच भाई, फॉलो नहीं करा मेरे कर रखा मैंने भाई को, लेकिन मैं बोलूँगी मैं नहीं, 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 लेकिन फॉलो भी करूँगा भाई को, और जिसको फॉलो करता हूँ अनफॉलो नहीं करता, लेकिन सच में वीडियो भाई की बहुत दमदार है, और सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, और बिहार में भाई के घर जरूर जाएंगे, पर खाना जरूर खाएंगे, क्योंकि मैंने भाई को देखा है, वो भाई चूल्हे वगैरह में कुछ ना कुछ बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइए ना आपके लिए, क्योंकि दोस्तों फ्लैट वगैरह में तो बहुत खाना खाया है, कोठी बंगला में भी बहुत खाना खाया है, गाँव का अलग स्वाद होता है, लेकिन गाँव का अलग स्वाद होता है, और खासकर जो वाली रसोई होती है ना, जो दीवारें होती है जिसमें प्लस्तर नहीं होता, लाल रंग की ईंटें नजर आती हैं, और जो चूल्हा रखा होता है जो लकड़ी वगैरह होती है, तो उसमें खाना खाने का अलग ही मजा है, अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल आएंगे और सपोर्ट और लाइक और शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ मेरा घर यहाँ पे होता ना, मैं कैसे स्वागत करूँ, अरे नहीं यार कैसी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं यार भाइयों, आ गए मिलिए, अरे बिल्कुल यार कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और तो भाई राजा भाई क्या कहोगे भाई, यार मेरे पास आए तो चलो, तो आपको बढ़िया सी जगह पे कहीं चलते हैं, और आपको मैं बढ़िया सी जगह पे खाना खिलवाता हूँ, अच्छी जगह पे चलते हैं, अरे बिल्कुल, और मैं वीडियो में देखता रहता हूँ भैया खाना वाना खाते रहते हैं, विश करते रहते हैं सभी लोगों को, आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये लगभग वर्ल्ड में नंबर वन वीडियो थी, 75-75 हज़ार वीडियो थी मेरी टिकटॉक में, फॉलोवर थोड़े कम थे, लेकिन हर तीसरी वीडियो मेरी आती थी, काफ़ी वायरल था, और फिर इंस्टा पर आ गए तो इंस्टा पर बड़ा मोटा, अरे चलिए अभी चलते हैं भैया के साथ में लंच वगैरह करने के, मैं जी साथ लेके जा रहा हूँ जी, बढ़िया तरीके से लंच वगैरह करने, और बढ़िया जगह लेके जा रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको ये पता लगेगा कि हमने खाना खाने खाया राजा भाई ने, ठीक है राजा भाई, तो मैं आज आपको अपने दिल से और अपने पैसे से भाई को, थैंक यू सो मच, तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, मतलब अपन आगे का ब्लॉग आज शेयर करेंगे, जी जी, हाँ 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 मैंने देखा था भाई, थोड़ा खाना बना के आए, ये इसी चीज़ से तो आप पब्लिक को दिल जीतते हो, वो चीज़ें, हाँ मैंने शायद अपनी वीडियो में बोला था, जी जी जी, लेकिन मैंने ना मजबूरी ली क्योंकि वो एक तो वैरायटी मुझे ज़्यादा करनी थी, हाँ हाँ, और साथ में जो है बुलेट में ना कई बार गिर जाता था खाना, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता था, नहीं नहीं सही, हम आ चुके रेस्टोरेंट में उन भैया के साथ में, भी खाना के लिए ऑर्डर करने के लिए, साथ में सारे हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, चीज़ें हैं, चलिए खाना वाना खाते हैं, और इसी बार में वीडियो देखता था, वो खाना वाना खाते रहते हैं, सर्वर पे डालते रहते हैं, क्या ऑर्डर किया था, पनीर है, ये देखो पनीर है, और रोटी है जिसमें घी लगा हुआ है, मेरी शादी होगी ना भाई, वो तुम्हारा रेड कलर वाला कोट पैंट है, वो कोट पैंट वाला मस्त है भाई, वो कोट पैंट दे देना मुझे, मैं स्पेशली लेके आऊंगा आपके लिए, साइज तो मेरा आ गया, मुझे वही चाहिए, नहीं हो जाएगा, दोनों भाई लग रहे हैं एक साइज, हां दोनों भाई लग रहे हैं, देखो आप लोग देखो, आप लोग देखो, दोनों भाई वैसे लग रहे हैं, तो भाई मैं राजा भाई वाला कोट पैंट मुझे पड़ जाओ, ये पहन के निकलते हैं पूरा ऋषि को वो लगते हैं भाई, अरे यार थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक चीज इनको मैं हमने देखा है कि जैसे ये वीडियो में देखते हैं ना, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, और एक बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ ना, तो वो कोट पैंट अच्छे अच्छे जींस वगैरह पहन के बैठे हुए रहते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा है क्या नहीं, तभी लोग मुझे देखते हैं, उनको नहीं देखते, जबकि 20-20 हज़ार में कोट पैंट होते हैं, नहीं लेकिन मैं एक बात कहूँगा, राजा भाई से भले ही आज मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन पूरी जाँच कर रखी है उन्होंने मेरी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मतलब भाई पूरा सर्च करा हुआ भाई ने, मुझे शुरू से मैंने इतने बड़े बड़े, मतलब ये वही वाली बातें बोल रही है जो और लोग भी बोलते हैं मुझे, बड़े 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 इन्फ्लुएंसर की यार तुम भी, मतलब यार राजा भाई कमाल हो गया, अरे भैया थैंक यू भैया, ये आपका प्यार है भैया, फिलहाल अभी खाना वाना खाते हैं, फिर भैया से विदा भी लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अरे नहीं यार एक बार चलो ना बिहार चलवा भाई, मैं स्कैम तो नहीं, स्कैम तो मैं बिग बॉस जा रहा हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट मंथ बिग बॉस ही आने के बाद, हाँ एक चीज़ है, हाँ भैया को कांग्रेचुलेशन बोल दे भाई, राजा भाई सपोर्ट भी कर रहा है भाई, बिल्कुल, अरे क्यों नहीं भाई,
ये जो जितने ऑडियंस देख रहे हैं ना हमारे 4 लाख है, यूट्यूब पे इंस्टा पे 8 लाख है, बिल्कुल, ये सब आपके लिए भाई। मैं सच बताऊँ ना, शुरुआत में ये जब वीडियो बनाया करते थे तो मैं उस टाइम में वायरल नहीं था, स्टार ऑफ सर कुछ नहीं था, मैंने इनको देखा सर सार इनसे ही हटा, हमने कहा वो बंदा कर सकता है तो मैं भी फेमस हूं। हां बिल्कुल बिल्कुल भाई, और राजा भाई फेमस है। राजा भाई एक बार अपने चैनल में बोल दो कि वूट ऐप डाउनलोड करके पुनीत सुपरस्टार को फॉलो सपोर्ट करना, वूट ऐप डाउनलोड करके पुनीत, अरे आप एक बार घुसो तो यार पूरा जान लगा देंगे हम, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं बिग बॉस जीत के निकलूंगा ना, कसम से कह रहा हूं, भगवान ने चाहा मुंबई से सीधा बिहारी पहुंचूंगा राजा राजा भाई के घर। अरे और बताओ फटाफट वोट ऐप डाउनलोड करो भैया, पुनीत वहां पे वोटिंग होती है ना। हाँ वोटिंग होती वो सब लगी रहती है, बिग बॉस OTT डालोगे तो पुनीत सुपरस्टार सर्च करोगे तो वहां पे आपको मेरी वोटिंग का मैं नंबर बता दूंगा अपने इंस्टाग्राम के वीडियो के माध्यम से, तो वहां पे जाके क्लिक कर देना। अरे बाकी जीत गए तो सीधा मुंबई से जो है दिल्ली की ट्रेन नहीं पकड़ूंगा, सीधा बिहार की फ्लाइट पकड़ूंगा मैं। ऑल द बेस्ट भैया, मैं पूरा ब्लॉग कवर करूंगा वहां पे जा करके वो चीजें को लेकर के। और भगवान ने चाहा तो भाई राजा भाई के संपर्क में रहूंगा, अगर इतना हुआ तो मैं राजा भाई को मुंबई भी बुला सकता हूँ, क्योंकि बिग बॉस के अंदर ये भी सिस्टम है कि अगर हम फिनाले तक पहुँच गए तो अपने दो बंदों के नाम दे सकते हैं जो खास हो, जिनको मैं बुलाते हैं ना, बहुत बड़ी बात हो जाता है, उनमें से एक राजा भी हो तो कुछ पता नहीं है। थैंक यू सो मच। राजा भाई को हम अपने उससे बुलाएंगे, अपने खर्चे बुलाएंगे, अपना सारा को इंतजाम करेंगे, 5-स्टार होटल का बना देंगे, मैं और जैसा बंदा नहीं हूँ, राजा भाई ने आज मुझे देख लिया होगा भाई, पैसा नहीं है लेकिन दिल इतना बड़ा है तो अभी बड़ा होता है। अभी जैसे मैं रोड पे उतरा ना वैसे बोले चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, इनको फैन वगैरह रोक रहे थे मुझे पता था, उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया मुझे टाइम दिया, ये आपके बिहार के बेटा के लिए है। ये भी नहीं है मैं इनसे मिल गया, हाँ जी चलो जी बस बोला मैंने भाई पहले खाना खाते हैं, यहाँ तक इतना भी उन्होंने पूछा कि भाई कहीं रुक जाओ मेरे वजह से रुक जाओ, हमने बोला नहीं भैया, अरे आप मिल गए इतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और एक बार जाओ भाई पूरा जान लगा देंगे हम सीरियसली, पूरा जान लगा भाई, बस जीत के आना ये समझो कि बस काम अपना ओके। उसमें क्या होता है ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपको वोटिंग जानी चाहिए, मैं पूरा मैं जैसे आपने बिग बॉस में इंटर लिया ना रोज डेली वीडियो आपके ऊपर है, बस तो ठीक है कंफर्म, मैं ये चीजें मैं बोल नहीं रहा कसम, मैं वादा करता हूँ आपके, राजा भाई ने बोल दिया तो समझ लो काम हो गया, बस पूरा वोटिंग इनके ऊपर है, आपको सपोर्ट करना भैया को, क्योंकि देखो बड़े बड़े लोग जाते हैं कोटी बंगले वाले जो कहते हैं वो जाते हैं, और सुनो एक डायलॉग और फिर बोल दो अपने बारे में, पर भी ऐसी जम्मा है नॉर्मल कपड़ों में, वहां पर भी कोट पहन के, अरे हां एक मिनट, मैंने कहा लोअर ओवर पहन के बैठे होते हैं ना कोट, मेरा वो काम है, कितने सारे वो पहन वहन के जाते हैं कोट और पहन के दिखाते हैं वो चीजें नहीं है इनके अंदर, एक चीज हमने इनको देखा है कि भाई बंदा वायरल है स्टार भी है लेकिन कपड़े अच्छे नहीं होते, कपड़े वही होते हैं अपने टांग तो अड़ते हैं यार, हमें दिखावा करना है, कभी कभी मैं देखता हूं ना एक ही कपड़े पे काफी सारी वीडियो बन जाती है और लोग प्यार भी करते हैं यार हर वीडियो को लेकर, वायरल भी करते हैं सारे के सारे भाई, प्यार है, हमें बैठे बाबूजी बन के भाई, मेरे को मेरे बस की नहीं है वो कोठी बंगले वाला दिखाना, अरे बाबूजी बन के कोट पहन पहन के बैठ जाओ, तैयार भी हो रहे चैन ब्रेसलेट पहन के बैठ जाओ, हाथों में 4-4 अंगूठियां पहन के अपने मशीन पर, जो कि हम लोग एंटरटेनमेंट में बैठेंगे अपना दिखाने के लिए, नहीं नहीं एक बार 1 लाख रुपए तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आ रहा हूँ, जैसे तुमने अभी बात बोली कि भाई अभी भी आए तो बुलेट में आए, ये नहीं है दिखाने के लिए आए, गाड़ी लेके वो गाड़ी ये देखिए हम स्टार हैं भाई, वाला दुनिया में आपकी गाड़ी तो हालांकि तुम गाड़ी में बैठते तुम्हें भी इंजॉय करते हैं, मुझे लगता है तो बन के आए स्टार, तो भाई क्या बात है भाई, जब हम चलाते ही नहीं मैं शौकी नहीं है, जब मैं चलाता ही नहीं मुझे शौकी नहीं तो मैं यहाँ पे भी क्या ले जाऊँ, मैं खाना बांटने के लिए लेके जाता हूँ, पुरिंद भैया को ऑल द बेस्ट, मेरे भाई है जान लगा दूंगा मैं, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितनी मेहनत करी ना आपके ऊपर मैं सफल करूंगा, भाई को जिताना है इस बार, मैं कैमरा ऑन कैमरे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है भाई इतने वायरल होने के बाद ना ऐसा लग रहा है मैं खुद से मिल रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं है कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ, ये घमंड है वो घमंड है वो चीज़ें वाली बात, मैं कभी अभी मैं रिसेंटली मैं काफ़ी सारे स्टार से मिला हूँ, हेलो हाय बोलते हैं, सोचते हैं इसके कम फॉलोवर है छोड़ो हटाओ, ये बिल्कुल वो चीज़ें भैया में हमने नहीं देखी, इन्होंने सीधा बोला पहचाना भाई तू मेहनत करता है तू ऑलरेडी ये चीज़ें वो चीज़ें, तो मुझे मोटिवेशन लगा। अरे यार राजा भाई मैं दिल से आपका सैल्यूट है, और मैं जो मिलने आया था ना राजा भाई से, भाई देखो मैं कमेंट नहीं करता लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसे स्टार आते हैं जिनके 10-10 लाख 20-20 लाख फॉलोवर है, आते हैं घमंड में रहते हैं बहू जी बन के आते हैं, 1 रुपए का दिल नहीं है साला, चाय मतलब ये समझ लो कि उनकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा मतलब चाय पिलाने का दिल भी नहीं है उनका, तो भाई हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते जिनके पास दिल नहीं है, हमें क्या करना है यार उनके फॉलोवर हमें कोई खाने के लिए थोड़े देते हैं, हमें बंदा अच्छा चाहिए प्यार चाहिए, तो भाई उसके लिए जान भी आ जाएगा, भाई पूरा बिहार देख रहा है आपको, पूरा बिहार सपोर्ट मिलेगा, इतना ही नहीं मेरे साथ में जितने सारे क्रिएटर है ना मैं जान फूंक दूंगा, बस तो ठीक है सब जगह, बस तो राजा भाई जीत गए, और सपोर्ट करो, एक बिहार का बेटा आपके साथ है भाई, एक छोटा भाई आपके साथ, बिहार का बेटा और राजा भाई हमारे साथ है, और जीत के सीधा जीत गया तो कसम से कह रहा हूँ भगवान की कसम जीत गया तो सीधा साला मुंबई से जो है ना सीधा राजा भाई के घर पहुंचूंगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ दिल की बातें बता रहा हूँ, मैंने इनको शुरू से देखा है और मुझे नहीं लग रहा है पुनीत जा रहा है, मुझे लग रहा है राजा जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ कसम खुदा, मैं मम्मी कसम बोल रहा हूँ, और भगवान ने चाहा अगर इतनी दोबारा ही अगर मैं जीत गया, मैं वादा नहीं करता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट सीजन आया अगर मुझसे किसी ने सपोर्टिंग मांगा कि भाई तुम्हारी जैसे मेरे पे मैं बताता हूँ आपको एक छोटी बात,
मेरी आईडी है, मेरे पास कई मेरे पे कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि पुनीत भाई हमें एक इवेंट कर रहे हैं उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर हैं आपकी नज़र में कोई अच्छे जो वहाँ पे एंटरटेन कर सकें, लिपसिंग कर सकें या कॉमेडी कर सके, तो हमें उनकी आईडी दो, हम उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं अगर वो अच्छे इन्फ्लुएंसर है। तो मैं एक बात और भी कहता हूँ, अजय भाई से अगर मैं जीत गया और अगर बिग बॉस वालों ने मेरे को कभी संपर्क करा सीजन 3 में, अब सीजन पहला सीजन हो चुका है, सीजन 2 में मैं जा रहा हूँ, अगर सीजन 3 में मेरे पास कोई ऐसी कॉल आती है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर की या इवेंट मैनेजर की, यार कोई तुम्हारे पास ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो फेमस हैं जो बिग बॉस में आके एंटरटेन कर सकते हैं तो हमें उसकी आईडी दो, तो भाई मैं राजा भाई को जरूर भेजने की कोशिश करूंगा बिग बॉस 3 में, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच भैया। और मैं जीत के आऊंगा तो हमारा बिग बॉस 3 OTT जो है हमारा राजा भाई जीत के आएगा। थैंक यू सो मच भैया, ये पुनीत भाई ने बोला है, जो जो ये बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे पे फोन है, और नहीं ऐसा, और आज भी ऐसा होता है, मैंने लोगों को कितना पैसा कमाया है इवेंटों में, कितने लोगों को इवेंटों में भेजा है, मेरे से कोई पूछता, क्योंकि यार मेरी जब से थोड़ी जा रहा है, इवेंट कंपनी अगर किसी को इवेंट में बुला रही है खर्चा वो कर रही है तो मेरी जब से कह रहा है किसी को एक चीज़, बिल्कुल बिल्कुल एक चीज़ भाई की अच्छी लगी, इतनी सारी वीडियो वायरल होती है, मैं साथ बताता हूँ, सब पे होती है, हम सब पे होती है, लेकिन इन पे अभी जो रिसेंटली चल रहा है ना ये साल में सबसे ज़्यादा इनके नाम से पैसे छापे जाते हैं अलग अलग आईडी पे, पर इन्होंने बोले इनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बोलते वो कमा रहे हैं ना, मेरा कोई फर्क पड़ता मेरे को, मेरे नाम से कम 35 अकाउंट बने हुए राजा भाई जिसमें 1-1.5 लाख फॉलोवर है, यानी कि 3-4 मिलियन फॉलोवर तो बटे पड़े हैं, बट पता ही नहीं पुनीत सुपरस्टार की आईडी है, और वीडियो वायरल करते हैं मेंस, और साले मुझे मेंशन तक नहीं करते, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं बोला, लोग मेरे को कहते हैं रिपोर्टें मार दो, क्योंकि इंस्टाग्राम में ना एक ऑप्शन भी होता है रिपोर्ट, अगर आपकी आईडी नाम से किसी ने फेक आईडी बना रखी है तो आप क्या करो अपना आधार कार्ड और उसकी आईडी डाल दो जिसने आपके हट जाते, लेकिन मैंने बाई गॉड मैंने आज तक उसको खोल के भी देखा ऑप्शन को, मेरे को बड़े बड़े लोग बोलते हैं जो इन्फ्लुएंसर भाई क्या कर रखा है तुम्हारे यहाँ 4 मिलियन खड़े में, कहता हूँ भाई मेरी वजह से अगर किसी की रोटी चल रही है ना चल रही है, मत करो टैग, मत करो मेंशन, मत करो फॉलो, अपनी रोजी रोटी चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। अब बताओ आप क्या चाहिए इस भलाई के, ये तो भलाई का जमाना नहीं है, एक दूसरे को लोग देख के चलते कि ऐसा वैसा है वो चीज़ें, अगर मेरे में बने मैं कहता हूँ भैया तू कार खरीद, बंगला खरीद, गाड़ी खरीद, तू मेरे नाम से 25 अकाउंट और आज के डेट में 35 अकाउंट बने पड़े गिनती है वर्ल्ड में, किसी के जो साले बड़े बड़े ना पार्ट में उनके नाम से भी बना रखे, क्योंकि उन्हें पता है पुनीत की वीडियो वायरल होती है, उनसे वो फॉलोवर बढ़ जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से अकाउंट है यार 35-37 तो मैंने गिने कल, और जो 20-30 हज़ार वाले हैं वो अलग है, उनके भी मिलियन में व्यूज, और जितने मेरी वीडियो पे चले जाते हैं 1-1.5 लाख और उनकी वीडियो में 2-2 मिलियन, लेकिन मैं कहता हूँ यार कोई फर्क नहीं पड़ता भाई से मिल लिया हमने, आज पूरा दिन मेरा सफल हो गया, बहुत प्यार दिया आपके एक बिहार के बेटा को, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लोग भैया आप जाओ बिग बॉस की तालका मचा दूंगा पूरे इंटरनेट पे, पूरे वोटिंग आपके भाई, मैंने वैसे कहने वाली बात नहीं, वो तो आपके जितने सारे ऑडियंस है ना मैं एक बार बोल दूंगा तो सब जानते हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे चार भाई हैं साथ में आए हैं, मैंने बोला पुनीत सुपरस्टार से जा रहा हूँ, उन्होंने बोला वीडियो देखे अरे मैं जानता हूँ, नीचे 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 भाई क्रेज है, भाई क्रेज है, बस भाई भाई ने बड़ा प्यार दिया है और बिग बॉस में जा रहे हैं, और मैं अगर जीत गया फाइनल तक पहुँच गया तो मैं भाई की एंट्री जरूर कराऊंगा, चाहे अवार्ड शो पर बुलाऊँ या बिहार जाऊँ या रेफर मंगवाऊँ, लेकिन भाई को और से देखो पूरा फुल सपोर्ट करो, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, चैनल में चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, और नकदी निकाल कर मेरा वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भैया, आप इंतजार करेंगे।